हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, सफलता की कुंजी कहते हैं कि जीवन में सफलता अच्छे कार्य करने से मिलती है। गलत कार्य से यदि सफलता मिल भी जाए तो वो स्थायी नहीं रहती है। तो दोस्तों, गलत कार्य से प्राप्त सफलता बाद में अपयश भी प्रदान करती है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता है और सफलता के लिए सदैव अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ कार्य को करने से ही व्यक्ति महान बनता है। श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को हर स्थान पर सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी सफलता के प्रेरित करते हैं। गलत कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। गलत कार्य को करने से कभी शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। जीवन में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इन कार्य को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्य को करने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से रूठ जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से दो काम हैं जिसे कदापि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, पहले नंबर, धन का लोभ। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में धन को अवगुण माना गया है। गीता में भी लोभ से दूर रहने की बात कही गई है। लोभ व्यक्ति के गुणों को नाश करता है। लोभ करने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की चाहत रखता है और जिस कारण वह हमेशा परेशान रहता है। तो दोस्तों, जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करना है तो लोभ से दूर रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ का लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों चीज़ अवश्य ध्यान रखें। जो लोग लोभ करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं और इसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाते हैं और हमेशा परेशानी में जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, नंबर दो पे आता है धन का व्यय। जी हाँ दोस्तों, धन का व्यय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मतलब हम जो रुपए पैसे कमाते हैं उसको सोच समझ कर ही खर्चा करना चाहिए। जहाँ पर खर्चा करने की ज़रूरत है वहीं पर हमें धन खर्च करना चाहिए। मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पर खर्चा करना चाहिए। धन की बचत करना एक अच्छी आदत भी माना गया है। जो लोग धन के व्यय के मामले में लापरवाह होते हैं दोस्तों, उन्हें समय आने पर या संकट की स्थिति में कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आय से अधिक धन का व्यय नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी इनकम 10,000 है और आपका खर्चा 12,000 है, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपका सपोज 10,000 खर्चा है तो सोच समझ कर ही आप उसे खर्च करना चाहिए। जहाँ पर उचित हो वही खर्चा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये दो पॉइंट्स बहुत ही मौल्यवान थे आपके जीवन में, आपको सफलता दिलाने के लिए, आपके आगे जाने के लिए और आपके तरक्की के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।